स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। आज मैं आपसे स्ट्रेस, एंजाइटी और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, साइकियाट्रिस्ट, जैन न्यूरो साइकियाट्रिक एंड डी एडिक्शन क्लिनिक जयपुर में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ। जब हम किसी एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो उसके पहले एक स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। ये स्ट्रेस अपने आप में एक अच्छा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं अच्छा करने के लिए, और जैसे ही वो एग्जाम या इंटरव्यू कंप्लीट होता है हम उस स्ट्रेस से कम्प्लीटली बाहर निकल आते हैं। लेकिन करीब 5% लोग ऐसे भी हैं जो उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं और कंटिन्यूसली एंजाइटी फील कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी डेली रूटीन की ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में एंजाइटी फील करते हैं और काफी सीवियर लेवल पे करते हैं। घर से बाहर निकल के किसी से मिलने जाना, ऑफिस में जाना, काम पे जाना, अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, पैसा, काम, हर चीज में उनको एंजाइटी या स्ट्रेस फील होता है। इस प्रॉब्लम को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या GAD कहते हैं। ये लोग जो एंजाइटी फील करते हैं वो काफी एक्सेसिव होती है। दैट मीन्स एक नॉर्मल इंसान को उस सिचुएशन में जो एंजाइटी फील होनी चाहिए, इन लोगों को उससे काफी सीवियर लेवल पे एंजाइटी फील होती है। ये अनरीजनेबल होती है। दैट मीन्स एक नॉर्मल इंसान को उस सिचुएशन में एंजाइटी फील नहीं होती है लेकिन इनको फील हो रही होती है, और परसिस्टेंट होती है। दैट मीन्स वो सिचुएशन जब निकल जाती है उसके बावजूद ये वो एंजाइटी फील कर रहे होते हैं। काफी हद तक इन लोगों को ये पता भी होता है कि ये एंजाइटी अनरीजनेबल है और एक्सेसिव है, बट ये उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, हेल्पलेस होते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है। GAD माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। जब सीवियर लेवल पे होती है तो इनकी लाइफ का ऑलमोस्ट हर एरिया, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं। ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऑलमोस्ट अपने घर में दुबक के बैठे रहते हैं। और जब ये माइल्ड लेवल पे होती है तो ये प्रोफेशनली भी एक्टिव होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, सोशली भी एक्टिव होते हैं, लेकिन इनको हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे इनको प्रॉब्लम फील होती है, डिफिकल्टीज होती है और एंजाइटी फील होती है। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जो इनके साथ चलते रहते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस की फीलिंग, अनइजी या अनकंफर्टेबलनेस की फीलिंग रहना, हमेशा इरिटेबल रहना, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़े रहना, और डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन जिसकी वजह से इनकी मेमोरी पर काफी नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जो काफी कॉमन होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप में डिफिकल्टी, जिससे उनकी स्लीप की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी होते हैं जिससे उनकी भूख में कमी आ जाती है या ज्यादा भी खाने लग जाते हैं, और गैस्ट्रिक के बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी उनको फील होने लग जाते हैं। मसल्स में पेन रहता है, हमेशा थकान रहती है, टायर्डनेस रहती है। एंजाइटी के अलावा ये सब सिम्टम्स भी GAD के पेशेंट्स में चलते रहते हैं। GAD का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें काउंसलिंग और साइकोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें उनका डिफेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग और डिफेक्टिव वे ऑफ परसेप्शन जो है वो चेंज किए जाते हैं। मेडिकेशंस होती है जिसके थ्रू उनकी एंजाइटी को काफी हद तक कंट्रोल में किया जाता है, और इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं जिसमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और डाइट में चेंजेस होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये लोग बाहर निकल के अपना ट्रीटमेंट करवाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं।